दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है। आसमां साचे तुझको उड़ाऊं, जिन में सितारे तुझको दिखाऊं। पता है वहां की सबसे अच्छी चीज क्या है? वहां नेटवर्क नहीं आता। हमें कुछ और प्लान करना चाहिए। मूवी का नाम है अजमेर 92। इसके साथ ही कल शाम मेकर्स ने इस मूवी का फर्स्ट पोस्टर को भी रिवील किया। रिलायंस एंटरटेनमेंट की तरफ से ये प्रोड्यूस की जा रही है मूवी, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह। ये मूवी रिलीज होने वाली है 14 जुलाई को। अजमेर 92 बेस्ड है एक ट्रू इंसिडेंट पे, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जहां 1992 में राजस्थान के अजमेर में 100 से भी ज़्यादा स्कूल और कॉलेज आने वाली लड़कियों के साथ सेक्शुअल असॉल्ट हुआ, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनके प्राइवेट वीडियोज़ को भी लीक किया गया। इसमें भी सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि उन लड़कियों में ज़्यादातर लड़कियाँ 18 साल से कम की थी, यानी माइनर थी। ऐसा बताया जाता है कि वो लड़कियां अच्छे घर परिवार से थी। इस केस में आरोपी के तौर पर जिस जिसका भी नाम आया, वो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तक शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इन सब बातों की खबर थी, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के शामिल होने के कारण ये स्कैंडल लंबे समय तक चलता रहा। इस स्कैंडल में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है, नवजोत, जो वहां का एक लोकल न्यूज़पेपर था। उसने सबसे पहले इस खबर को छापा था। कई लड़कियों ने इस स्कैंडल में अपना नाम जुड़ने की वजह से सुसाइड तक कर लिया था। कल जो पोस्टर रिवील हुआ है, अगर उसको गौर से देखें तो इसमें भी वही सारी पेपर कटिंग और हेडलाइंस को शो किया गया है। जो लोग इस इंसिडेंट के बारे में पहले से जानते हैं, वो इसकी सीरियसनेस को समझते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, उनके लिए ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। इसके मेकर्स का कहना है कि ये मूवी केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल से भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाली है। अब ये तो मूवी रिलीज़ होने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें कितना सच दिखाया गया है।